नमस्कार दोस्तों, यह पूर्णता सच है कि शिव को समझना है, शिव को पाना है तो सर्वप्रथम शिव में लीन होना होगा। इस धरती पर देवों के देव महादेव शिव शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। भगवान शिव को ही इस सृष्टि का सृजन और सृष्टि का अंत कहा गया है। यही कारण है कि भगवान शिव की कोई भी था नहीं पा सका। इतना ही नहीं, शिव शंकर के मंदिरों में छिपे रहस्य भी सबकी समझ से परे हैं। आखिर क्या वजह है कि मंदिरों के रहस्य को हमारी आज की उन्नत साइंस भी समझ नहीं पाई। एक ऐसा ही रहस्यमयी कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस मंदिर के रहस्य के समक्ष विज्ञान भी नतमस्तक हो चुका है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शिव मंदिर को स्वर्ग में निर्मित कर धरती पर स्थापित किया गया था। तो आइए जानें कि आखिर क्या खास है इस मंदिर के निर्माण में। क्या सचमुच स्वर्ग में निर्मित हुआ कैलाश शिव मंदिर? इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि इस मंदिर को स्वर्ग में निर्मित किया गया। इसके बाद इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया। मंदिर की नक्काशी और भव्य प्रतिमाएं इस बात को दर्शाती हैं कि इसको निर्मित करना साधारण मानव के बस की बात नहीं है। पहाड़ को खोदकर तराशना आज की उन्नत साइंस के भी बस के बाहर की बात है। कुछ लोग इस मंदिर को एलियंस द्वारा निर्मित किया बताते हैं। शायद पुरातन समय में एलियंस इस धरती पर आते रहे हों, यह रहस्य आज भी बरकरार है। मंदिर के निर्माण की सही उम्र बता पाना किसी के बस में नहीं, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में चट्टान के सिवा कोई भी दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं हुआ। यदि चट्टान की कार्बन डेंटिंग की जाए तो वह मंदिर की आयु नहीं बल्कि चट्टान की आयु बताएगी। कुछ वैज्ञानिक इस मंदिर को 1900 साल पुराना और कुछ इस मंदिर को 6000 साल से भी पुराना मानते हैं। औरंगाबाद के कैलाश शिव मंदिर में क्या है खास? औरंगाबाद स्थित कैलाश शिव मंदिर के निर्माण का रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। भगवान शिव के कैलाश मंदिर के रहस्य के बारे में आज भी नाम मात्र लोग ही वाकिफ हैं। इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी ईंट पत्थर या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक पहाड़ी को इस तरह से तराशकर मंदिर का रूप दिया गया जो कल्पना से परे है। इस मंदिर का निर्माण नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे हुआ है। यह एक रहस्य सदियों से विज्ञान के लिए चुनौती है। आखिर किस तरह की मशीनों से इस शिव मंदिर का निर्माण किया गया होगा? भारत ही नहीं विज्ञान के सभी वैज्ञानिक इस मंदिर की निर्माण कला से हतप्रभ हैं। मंदिर के निर्माण में किया गया होगा बोमास्त्र का इस्तेमाल। कैलाश शिव मंदिर की अद्भुत रचना को देखकर केवल यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के निर्माण में वेदों में उल्लेखनीय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि इस अस्त्र में पत्थर को पिघलाने की भी शक्ति थी। इस मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो मंदिर का नक्शा पहले से ही तैयार रहा होगा। मंदिर के भीतर बहुत से ऐसे विशाल खंभ हैं जिनको जोड़ते हुए पुल भी बने हुए हैं। मंदिर में बालकनी भी है। मंदिर के नीचे है सुरंगों का माया जाल। मंदिर के नीचे सुरंगों का ऐसा माया जाल है जहां पर कुछ ही लोग पहुंच पाए हैं। एक विदेशी शोधकर्ता ने मंदिर के नीचे बनी सुरंगों के अंतिम छोर तक जाने का दावा किया। उसने बताया कि मंदिर के नीचे एक विशाल कमरा है जो कि एक मंदिर की तरह है। वहां उसने कुल 7 लोगों को देखा, जिसमें से 2 लोग कभी दिखते थे और कभी गायब हो जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के नीचे पूरा शहर हुआ करता था। मौजूदा समय में यह गुफाएं आम लोगों के लिए बंद की हुई हैं। कैसे बना है यह मंदिर? इस कैलाश शिव मंदिर की ऊंचाई 90 फीट है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 200 साल लगे माने जाते हैं।
मंदिर को बनाने में 7,000 कारीगर निरंतर काम करते रहे। इस मंदिर में कभी पूजा किए जाने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। आज भी इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। इसके निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को तराशा गया। मंदिर के आंगन के तीनों तरफ कोठरियां हैं और सामने खुले मंडप में नंदी विराजमान हैं। इसके दोनों तरफ विशालकाय हाथी व अन्य स्तंभ बने हैं। यह शिव मंदिर इतना शक्तिशाली माना गया है कि यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही रोग खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर के नीचे कई रहस्यमय गुफाएं हैं, जहाँ भगवान शिव से जुड़े कई राज इन गुफाओं में बंद हैं। मंदिर में भैरव की मूर्ति का रूप रौद्र है, वहीं माता पार्वती की प्रतिमा उतनी ही स्नेहशील है। मंदिर में विशाल और भव्य नक्काशी देखते ही सम्मोहित करती है। तो दोस्तों, यह थी कैलाश शिव मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।